नमस्कार। पूरी दुनिया एक महा बीमारी से जूझ रही है, लॉकडाउन में चल रही है और एक मुश्किल का सामना कर रही है। वक्त मुश्किल है लेकिन सकारात्मक बने रहना है और सकारात्मक बने रहने और आपको सकारात्मक बनाए रखने के लिए सबसे बेहतर जरिया है संगीत। तो ये सिलसिला रागगिरी का है जिसमें हम आपसे कलाकारों की मुलाकात करते हैं, कुछ गीत संगीत की बात करते हैं और कुछ किस्से कहानियाँ भी सुनाते हैं। तो आज मैं जिस कलाकार को अपने साथ आमंत्रित करने जा रहा हूँ वो एक बेहद ऊर्जावान गायिका हैं और भारत सरकार उन्हें पद्मश्री से सम्मानित कर चुकी है। देश की बेहद लोकप्रिय लोक गायिकाओं में वो शुमार हैं और रागगिरी की शुभचिंतक हैं, रागगिरी की बहुत बड़ी समर्थक हैं। मैं बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूँ मालिनी अवस्थी जी का। बहुत बहुत आभार शिवेंद्र और रागगिरी को मुझे साथ जोड़ने के लिए, इसी माने लोगों से कुछ बात करने के लिए, कुछ अपनी बातें कहने के लिए। और बस यही माँ विंध्यवासिनी से प्रार्थना करती हूँ, बाबा भोलेनाथ काशी विश्वनाथ जल्द से जल्द इस संकट को हरें और समूचे विश्व से समूल इस बीमारी का नाश हो, सभी स्वस्थ हों और हम सब फिर मंच पर आपके सामने हों। प्रणाम मालिनी जी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला हमारे इस बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए। तो हमारे यहाँ तो वैसे भी कहा जाता है कि जब कोई बड़ी मुश्किल आती है तो भगवान ही उस मुश्किल से पार कराते हैं और लोक गीतों में ज़रूर इसका जिक्र होगा। तो हम अपनी बातचीत को शुरू करें उससे पहले, सबसे पहले यही चाहते हैं कि कोई ऐसा एक गीत हो जो हमें इस मुश्किल से निकालने के लिए, जो ईश्वरीय शक्ति का सहारा चाहिए, उसकी तरफ इशारा करता हो, उसकी बात करता हो। बिल्कुल सही कहा आपने शिवेंद्र। मुझे लगता है कि लॉकडाउन है और पूरे विश्व में हम सभी लोगों के सामने एक अभूतपूर्व स्थिति खड़ी है और कलाकार का तो काम क्या है, वो हमेशा विचारता है और रचना करता है। तो ये दोनों दो ऐसी बातें, एक तो कोरोना से हम सबका इस प्रकार से हम सबके जीवन का थम जाना और दूसरी जो छटा हमने देखी प्रवासी भाइयों की अपने घर को वापस आने के लिए अचानक सर पे गठरी बांध कर चल देना, तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाई और दोनों ही मौक़ों पे मैंने गाने बनाए जिन्हें बहुत सराहा गया। और मैं चाहूँगी कि मैं दोनों ही आपको एक दो दो लाइन सुनाती हूँ। जान के जोखिम पे डार के चले कौन से देश को, परदेसी भैया मोरे परदेसी भैया, परदेसी भैया रे परदेसी भैया, तेरा गांव है बड़ी दूर, तुझे जाना है बड़ी दूर, क्यों छोड़ा ठौर ठिकाना, हुए काहे तुम मजबूर, तुमसे है देश की खुशहाली, अरे आएगी नई लाली, हो परदेसी भैया मोरे परदेसी भैया, परदेसी भैया रे परदेसी भैया। और कोरोना का गाना तो हवाओं में बैठा है पहरा, असर देखो कितना है गहरा, पूछे है हर कोई देखो, अरे खतरा बड़ा है पहचानो, डरना नहीं मुस्कुराना है, मिलकर इसे अब हराना है, अरे आया ये तू क्यों निगोड़ा, अरे कैसा है तूरे करोना। मालिनी जी, ये सवाल मैं लगातार सबसे पूछ रहा हूँ कि संगीत सीखने की जो परंपरा होती है कह लें या शुरुआत होती है कह लें, उसमें दो तरीके होते हैं। एक तो संगीत कई परिवारों में विरासत से चला आ रहा है, जहाँ कई पीढ़ियों से कलाकार होते हैं, घर में ही संगीत की लहरियाँ गूंज रही होती हैं। लेकिन एक ऐसा भी परिवार होता है जहाँ संगीत बैकग्राउंड में नहीं होता, पृष्ठभूमि में नहीं होता, फिर भी वहाँ से बड़े कलाकार निकलते हैं। आप भी इसका एक उदाहरण है। तो क्या होना चाहिए, इसका तरीका कैसे शुरुआत होनी चाहिए, क्या कुछ करना चाहिए जिससे कि सही शिक्षा सही समय से शुरू हो जाए? ये सवाल आपने बड़ा रोचक पूछा और मैं भी अक्सर सोचती हूँ, मुझसे सब बहुधा पहला सवाल सब यही पूछते हैं, कैसे प्रारंभ किया सीखना, घर में कौन गाता था। और मैं उन्हें बताना शुरू करती हूँ कि मेरे घर में कोई भी संगीत से किसी का कोई वास्ता नहीं था, कोई मंच तो बहुत दूर की बात है, सिवाय इसके कि बहुत बेहद शौक था मेरे माता पिताजी को। तो जो आपने सवाल पूछा है कि
कुछ तो घरानेदार गवैये होते हैं जिनके यहाँ पीढ़ियों से संगीत चला रहा है, और या पीढ़ियों से संगीत नहीं भी है तो कोई एक शुरू करता और फिर सिलसिला शुरू हो जाता है। एक बार ये सवाल शिवेंद्र मैंने अपने गुरु अप्पा जी गिरजा देवी जी से पूछा था कि अप्पा जी सब मुझसे यही सवाल पहला करते हैं, जैसे कि गोया की कुछ अनहोनी सी बात है कि कैसे मैंने गाना शुरू किया। तो अप्पा जी ने तब बताया कि उनके पिताजी भी तो किसान थे और उनके घर में भी कोई नहीं गाता था, और अप्पा जी यानी कि पद्म विभूषण गिरजा देवी जी अपने घर में पहली हुई। तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही, उन्होंने कहा कि बिटिया कभी कभी कुछ यात्राएं पिछले जन्म में अधूरी रह जाती हैं और उन्हें पूर्ण करने के लिए आत्माएं दोबारा आती हैं। तो मुझे अपने बारे में भी यही लगता है, नहीं तो ऐसा नहीं होता तो भले मेरे परिवार में कोई गाता नहीं था लेकिन 5 वर्ष की बच्ची में प्रतिभा है तो इसे सिखाना चाहिए और गुरुओं तक लेके जाना चाहिए और उसके संग मेहनत करनी चाहिए। ये ऐसे माता पिता फिर मुझे इस योनि में क्यों मिलते। तो कहीं ना कहीं मैं अपने गुरु वाली बात मानती हूँ कि बहुत लंबी यात्रा के हम लोग उसका एक पड़ाव है ये जन्म, तो शायद पिछला जन्म अधूरा रह गया इसलिए इस जन्म में संगीत शुरू किया जबकि घर में नहीं था। मान लीजिए आपने संगीत की विधिवत तालीम ली और जब ये तालीम लेने के बाद आपने इसको प्रोफेशन के तौर पर चुना तो आपके सामने जरूर ये विकल्प रहा होगा कि आप प्लेबैक सिंगिंग में चली जाएं, आप भजन गाएं, आप कुछ और विधा में जाएं, लेकिन आपने लोक गीतों को चुना, इसकी क्या वजह थी? देखिए शिवेंद्र, मैं स्वभावतः बहुत जुझारू रही हूँ और मुझे मेहनत करना अच्छा लगता है, मुझे धारा के विपरीत बहना बहुत अच्छा लगता है, और ख़ासतौर पर यदि मुझे बात समझ में आ जाए, जितना लोग मुझे ऐसे मिलते गए जो कहते थे कि अरे तुमने तो 25-30 साल खाली क्लासिकल सीखा है, उनसे सीखा, उस मर्यादा को सोचो, उस परंपरा को सोचो, क्लासिकल सीखा है, लोक में क्या क्यों। जितना मैं ये सुनती थी तो मुझे ये लगता था कि अज्ञानियों की बड़ी लंबी बड़ी भारी संख्या है और दुनिया इतनी तेजी से बदल गई है। वो लोग हैं जिन्होंने अपने घरों से ढोलक गायब कर दी, ये वो लोग हैं जिन्होंने जब दादी बैठ करके कुछ गाती थी हल्दी के तेल के सोहर के लोरी के तो कहते अम्मा अब हो ही गया बस अब ठीक है अब रहने दो अब नया जमाना, ये वो पीढ़ी थी। और यदि कोई अड़ा नहीं या कोई दृढ़ता के साथ इसके सामने नहीं आया तो फिर क्या, क्योंकि प्रसिद्धि लोकप्रियता यश पैसा वो तो सबको चाहिए, चाहे फिल्म लाइन से मिले, चाहे गज़ल गा के मिले, चाहे कुछ भी इंडी पॉप एनीथिंग, लेकिन मेरे लिए मसला वो था ही नहीं ना। मेरे लिए मसला तो एक विचार परिवर्तन का था, मैं तो सोच बदलने का काम कर रही थी और ये सोच बदलने का काम में तो शिवेंद्र पीढ़ियाँ लग जाती हैं, एक जीवन भी लग जाए मेरा तो बहुत कम है। अब मान लीजिए एक लोकगीत कोई आपका हम सुन लें तो फिर बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, जो भी आपको पसंद हो वो सुनाइए। अब ये आपने मुझे मुश्किल में डाल दिया कि मैं एक गाना क्या चुनूं, क्योंकि एक चुनना मुश्किल होता है, लेकिन चैत का महीना चल रहा है तो एक चैती सुनाती हूँ आपको, और ये गया शैली की जो चैती है थोड़ी चलती हुई वो सुनाती हूँ। बैरन रे कोयलिया तोरी बोली ना सुहाए, बैरन रे कोयलिया तोरी बोली ना सुहाए, तोरी बोली ना सुहाए, तोरी बोली ना सुहाए, मदन रस जगाए तोरी बोली ना सुहाए, यह पाती हमारी दई दीजो, यह पाती हमारी दई दीजो, हाँ कंत परदेस सुहाए, मदन रस जगाए तोरी बोली ना सुहाए, तोरी बोली ना सुहाए, तोरी बोली ना, बैरन रे कोयलिया तोरी बोली ना सुहाए। नहीं तो क्या आपको कभी ये नहीं लगा कि ये शायद वो माध्यम नहीं है जिसमें बहुत जल्दी बहुत कुछ हासिल हो जाएगा, बात चाहे प्रतिष्ठा की हो, बात चाहे रुपए पैसे की हो, आपने एक ऐसा रास्ता चुना जो शायद बल्कि शायद क्यों वो ज्यादा लंबा था, उसमें ज्यादा संघर्ष था, उसमें पहचान बनाने में ज्यादा समय लगने वाला था। शिवेंद्र, इस बात का मैं क्या उत्तर दूं, क्योंकि मुझे लगता है कई बार इंसान वही रास्ता चुनता है
या वही जाकर अंतत्वगत्वा बनता है जो उसकी खुद की फितरत, उसकी अपनी सोच और उसकी जीवन मूल्यों के बहुत निकट हो। कम से कम मैं अपने बारे में तो अवश्य यही मानती हूँ। और जीवन में दो चीज़ें हैं जिन पर मैंने बहुत विश्वास किया और अमल करती हूँ और यही सबसे कहती हूँ, वो ये कि इंसान का काम चलना है, वो रास्ता चुने और उस पर चले, उस रास्ते पे चल करके क्या मिलने वाला ये ना सोचे। क्योंकि मैं जिस मार्ग पे चली वो मेरा ये दृढ़ विश्वास था कि भारत की जो सांस्कृतिक छवि है, उसका जो सौंदर्य, उसका जो लालित्य लोक साहित्य में दिखता था मुझे, लोक गीतों में जो श्रृंगार, जो गरिमा और जो बांधने का जो एक अदृश्य धागा नेह का दिखता था, वो मुझे कहीं नहीं दिखता था। और तो बस मैं उस मार्ग पे चल पड़ी और रास्ते में चलने पे सब कुछ मिला, आलोचना, हतोत्साहित करने वाले लोग, इसमें कुछ दम नहीं है इस बात में, या इसको ये भी सोचने वाले कि ये भला ये भी कोई बात हुई, ये कौन सा क्षेत्र है, कौन सी विधा है। और यश भी मिला, मेरे विश्वास में विश्वास रखने वाले भी मिले। लेकिन बहुत छोटी सी जब मैं थी तभी मुझे अपने, जब ताई जी लोग के गाने सुनती थी मैं, या गोरखपुर में आकाशवाणी में जब मैंने गाना शुरू करा, बहुत वहाँ पर आपको मालूम है आंचलिक चूंकि रेडियो स्टेशन था तो उसकी भी वहाँ पे जो रीजनल लैंग्वेजेस के लिए एक सरकार की ओर से जियो आया था कि जो भी गाने वाले कलाकार हैं वो अनिवार्यतः लोक भाषा में ज़रूर गाएंगे। और इस तरह से वहाँ पर बाढ़ सी थी, बहुत सारे कलाकारों को मैं सुनती थी और जो गाने हमको गाने को दिए गए, तो जब मैं उनको सुनती थी, जैसे कि एक उदाहरण दे रही हूँ, अब 10 साल की थी जब मैंने गाना गाया, अरे मारे हाय 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 मारे करजवा माती बलम घरे ना मोरी ननदी, हमरी अटरिया पे कागा बोले सुन जीरा मोरा लर्ज कब आए हैं भैया तोहार मोरी ननदी, मारे ओ मारे करजवा माती बलम घरे ना मोरे ननदी। अब इस गाने में आप देखिए कि नायिका है, उसके लिए उसकी ननद कितनी महत्वपूर्ण है। आशा पति के बारे में पूछने का है लेकिन संकेत कागा से मिल रहा है, तो प्रकृति को भी साथ लेना, परिवार को साथ लेना, ये कमाल की जो एक हम विश्व बंधुत्व कहते हैं हमारे यहाँ कि हमारी सांस्कृतिक अवधारणा यही रही है, उसके सबसे निकट यदि है तो लोकगीत है। और बस मैंने सोचा कि ये किसी को करना चाहिए, क्योंकि मेरी तो तालीम शास्त्रीय संगीत की थी लेकिन वहाँ पे जब मैं बंदिशें देखती थी, बड़े ख्याल की, छोटे ख्याल की, दादरों की, ठुमरी की, तो वहाँ पर मैं उलझ जाती थी कि अरे ये तो पूरा लोक है, ये तो ब्रज है, ये तो काशिका है, तो अवधि है, हम क्यों नहीं मूल स्वरूप पे उसको सामने क्यों नहीं लेके आते। कुछ सोहर सुनती थी, कुछ बन्ने सुनती थी, राम का बन्ना है जिसमें कि राम कह रहे हैं कि भाई मैं कैसे सहरा बांधूं, माली तो आया नहीं, सुनार तो आया नहीं, तेलन तेल लगाने तो आई नहीं। कमाल का जो एक ये समग्रता में पूरे समाज को एक साथ लेकर जो लोक चलता है, वो मैं खुद भी थी, वो मेरे इतने करीब था। मैं उदाहरण दूं आपको, जब ग्रेजुएशन में विषय लेने की भी बात आई तो मैंने कहा नहीं, मैं अंग्रेज़ी नहीं पढ़ूंगी, संस्कृत लूंगी, और विषय संस्कृत मैंने ग्रेजुएशन किया। तो ये एक कह लें अपना विश्वास होता है इंसान का, और ये लोक भी इसकी मर्यादा और इसका जो सौंदर्य है उसको सामने लाना, ये भी एक कहीं ना कहीं एक हठ बन गया। और मैं चल दी उस मार्ग पर, लंबा रास्ता था लेकिन उसका जो परिणति हुई है जिस रूप में, और अभी तो बहुत लंबा चलना है, लेकिन अब कहीं ना कहीं अच्छा लगता है कि बहुत सारे मुसाफिर उस रास्ते में साथ हो लिए, ये बहुत अच्छा लगता है। और मुझे लगता है शिवेंद्र के इंसान है क्या यदि वो अपने विश्वास पे कायम न रहे। ज़्यादा से ज़्यादा आप हारेंगे ही, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको असफलता ही तो मिलेगी, लेकिन संतोष तो रहेगा कि जिस पर आपको विश्वास था आपने वही राह अपनाई, आप लोकप्रियता की दौड़ में नहीं गए, आपने जिस रास्ता को पकड़ा वो लोकप्रिय बन गया।
मालिनी जी, एक फरमाइश तो मेरी रहेगी और वो अमीर खुसरो का लिखा हुआ बेहद भावुक कर देने वाला आपकी आवाज़ में कई बार मैंने सुना है लेकिन मन नहीं भरता, अम्मा मेरे बाबा को भेजो रही। इतनी खूबसूरत फरमाइश की और मुझे भी बहुत पसंद है खुसरो साहब का लिखा सावन, सुनाती हूँ मैं आपको। अरे अम्मा मेरी, अरे अम्मा मेरे बाबा को भेजो री, अम्मा मेरे बाबा को भेजो री, के सावन आया के सावन आया के सावन आया रे माई, अम्मा मेरे बाबा को भेजो री, अम्मा मेरे बाबा को भेजो री हो। अरे बेटी तेरा, अरे बेटी तेरा, अरे बेटी तेरा, अरे बेटी तेरा बाबा तो बूढ़ारी, बेटी तेरा बाबा तो बूढ़ारी, के सावन आया के सावन आया रे माई माई, अम्मा मेरे मामा को भेजो री, अम्मा मेरे भैया को भेजो री, अम्मा मेरे भैया को भेजो री हो। और इस लॉकडाउन पीरियड में न जाने कितनी बेटियां हैं इस समय जो घर से दूर हैं, अपने भाइयों से दूर हैं, उन सब के लिए भी प्रार्थना है कि जल्द से ये कष्ट का समय टले और सभी लोग अपने अपनों से जुड़ सके। मालिनी जी, एक एक्सपेरिमेंट करने का मन कर रहा है, आप अक्सर फिल्मी गाने भी गुनगुनाती हैं, तो कुछ 3-4 गाने थोड़े थोड़े मुखड़ा ही सही, लेकिन जो गाने आपके दिल के बेहद करीब हों, वो चाहे लता जी के हों या किसी पुरुष कलाकार के हों, लेकिन आपके करीब हों, आप जिससे पता भी चले कि आप किस तरह के फिल्मी गाने सुनती हैं। बिल्कुल शिवेंद्र, ऐसा सवाल आपने पूछा है। फिल्म संगीत तो सभी को पसंद है, मुझे भी, और मेरा अपना मानना है कि एक से एक नगमे बने हैं गाने जिनको कि सुनते हुए कई जिंदगियां काटी जा सकती हैं। कुछ तो बहुत पसंद है गाने, मैं कोशिश करती हूँ सुनाने के गाने। हम बेखुदी में तुम पुकारे चले गए, हम बेखुदी में तुमको पुकारे चले गए, सागर में जिंदगी को उतारे चले गए, खुद ही से खेले डूबे नहीं हम ही यूं नशे में अकेले, शीशे में आपको भी उतारे चले गए, हम बेखुदी में तुमको पुकारे चले गए हम। कई गाने हैं जो इस तरह के बहुत पसंद हैं, एक दो मैं और सुनाती हूँ आपको। जुर्मे उल्फत की हमें लोग सजा देते हैं, कैसे नादान हैं
शोलों को हवा देते हैं कैसे नादान। हमसे दीवाने कहीं तर के वफा करते हैं, जान जाए के रहे बात निभा देते हैं, जुल्म उल्फत की हमें लोग सजा देते हैं कैसे नादान। माली जी, बातचीत का सिलसिला खत्म करें उससे पहले वो गाना जो आपके नाम के साथ बिल्कुल पूरक की तरह जुड़ गया है और आप समझ गई होंगी इशारा, वो गाना है रेलिया बैरन पिया को लिए जाए रे। बिल्कुल लीजिए फरमाइश पर आपके। मुझे तो हैरानी होती है कि कहीं भी जाऊं, विदेशों में भी, क्या मॉरिशस, क्या जर्मनी, क्या यूएस, इसी गाने की फरमाइश होती है। रेलिया बैरन पिया को लिए जाए रे, रेलिया बैरन पिया को लिए जाए रे, रेलिया बैरन, रेलिया बैरन, रेलिया बैरन पिया को लिए जाए रे, रेलिया बैरन पिया को लिए जाए रे, रेलिया बैरन। जौन टिकसवा से संयम और जई है, पानी बरसे टिकस गल जाए रे, रेलिया बैरन पिया को लिए जाए रे, रेलिया बैरन। जौन सहरवा को संयम और जई है, आग लागे शहर जल जाए रे, आग लागे शहर जल जाए रे, रेलिया बैरन, रेलिया बैरन, रेलिया बैरन, रेलिया बैरन, 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 बैरन। मान लीजिए आपने हमारे लिए वक्त निकाला, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमसे जुड़ी, हमने आपके कलाकार बनने की प्रक्रिया को जाना, आपसे लोकगीतों की महक को पहचाना, सुना और फिल्मी गाने भी सुने, कोरोना से लड़ाई के लिए तैयार किया गया आपका गाना भी सुना। आइए एक बार फिर हम सब ये प्रार्थना करें कि ये जो महामारी, ये जो संकट इस वक्त पूरी दुनिया के सामने है, उससे जल्दी से जल्दी हमें छुटकारा मिले और एक बार फिर गीत संगीत से ये जो पूरा संसार है, ये दुनिया, वैसे ही महक उठे जैसे महकती रही है।